वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट अप्पम की रेसिपी। इन अप्पम को हम सूजी से बनाएंगे। इंस्टेंट अप्पम बनाने के लिए मिक्सर जार में डालेंगे आधा कप सूजी। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप पोहा, साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। अब इन तीनों चीजों को ग्राइंड करके इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ये पिसकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपको भी इसी तरह से एकदम फाइन पाउडर रेडी करना है। अब इस फाइन पाउडर के साथ तैयार कर लेंगे अप्पम का बैटर, जिसे हम ग्राइंडर जार में ही बनाएंगे। इसके लिए जार में डालेंगे आधा कप बटर मिल्क यानी कि छाछ। बटर मिल्क की जगह आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, साथ ही ऐड करेंगे आधा कप पानी। अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से सूजी के अगर कोई पार्टिकल्स साबुत बचे होंगे तो वो अच्छे से पिस जाएगा और बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसमें कोई भी गांठ नहीं रह जाएगी। अप्पम का बैटर रेडी है, आप देख सकते हैं। अभी इस बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी है। अगर आपको इंस्टेंट इडली बनानी है तो आप इस बैटर से इंस्टेंट इडली बना सकते हैं, लेकिन हमें अप्पम बनाना है तो हम इसे थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे। इसके लिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बैटर पूरी तरह से जार से निकल नहीं पाया है क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा है। आप देख सकते हैं ये जार में हर तरफ लगा हुआ है। तो जार में ही ऐड करेंगे आधा कप पानी। बैटर और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि बैटर पूरी तरह से जार से निकल जाए। इस पानी को बाउल वाले बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो हमें ऐसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, आप देख सकते हैं। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बैटर तैयार करना है। लास्टली इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन दोनों को साथ ही ऐड करें जिससे कि ये आपस में रिएक्ट करें और बैटर में झाग हो जाए। ऐसा करने से अप्पम जालीदार बनते हैं। अब हमें फटाफट अपने बैटर को मिक्स करना है जिससे कि बैटर एकदम फ्लफी हो जाएगा। बैटर मिक्स करने के बाद बिना देरी के हमें अप्पम बनाना है। अगर आप इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो अप्पम जालीदार नहीं बनेंगे। तो आइए बना लेते हैं अप्पम। पैन के ऊपर डाल देंगे अप्पम का बैटर। इसे आप पैन में डाल दें और अपने आप फैलने दें। इसे आप डोसे की तरह फैलाएं नहीं। अगर आप नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अप्पम बनाने के लिए एक बूंद भी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रेगुलर तवे पे अप्पम बना रहे हैं तो आप अप्पम बनाने के पहले तेल ज़रूर डालें। अप्पम को सिर्फ एक तरफ से पकाना है। जब ये एक तरफ से पूरी तरह से पक जाएगा तो ये पैन को अपने आप ही छोड़ देगा और ऊपर से भी ये पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं जालीदार अप्पम तैयार हो चुका है। अब हम इसी प्रकार से दूसरा अप्पम भी रेडी कर लेंगे। सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम बाकी के अप्पम भी रेडी कर लेंगे। अप्पम नीचे से जले नहीं, इसके लिए हमेशा अप्पम को पकाने के लिए आँच को धीमी रखें। अप्पम जब पूरी तरह से पक जाएगा तो ये पैन के किनारों को छोड़ देगा और उसी समय आप अप्पम को पैन पर से निकाल के प्लेट पे रख लें। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पक चुका है। इसी प्रकार से हम सारे अप्पम को रेडी कर लेंगे। तो सारे अप्पम रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। परफेक्ट जालीदार अप्पम रेडी हैं। अब इसके साथ खाने के लिए हम बना लेंगे नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बनाने के लिए ग्राइंडर में डालेंगे आधा कप फ्रेश कटे हुए नारियल, साथ ही ऐड करेंगे 1/4 कप भुना हुआ चना, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, लगभग 1 इंच इमली का टुकड़ा, नमक स्वाद के अनुसार और 2 हरी मिर्च कटी हुई। अब ये आसानी से पिस जाए इसके लिए इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। नारियल की चटनी ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। पैन में तेल गरम कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई, साथ ही ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और इसके साथ इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, इसे भी अच्छे से भून लेंगे और तड़का रेडी है। इस गर्मा गर्म तड़के को हम डायरेक्ट डालेंगे नारियल की चटनी के ऊपर। नारियल की चटनी रेडी है। इसके साथ साथ मैंने कुछ और चटनी बनाई है जिसमें से मूँगफली की चटनी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। फटाफट से बन जाने वाला इंटरेस्टिंग नाश्ता रेडी है। इसके साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है।
हेल्दी और टेस्टी होने के साथ साथ ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। जब भी आपको नाश्ता बनाने में आलस आए आप इन अप्पम को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और साथ ही साथ आपकी फैमिली में इसे हर कोई पसंद करेगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही कमेंट करें अपने फीडबैक्स।